इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली ताज़ा तरीन जो कशीदा सूरत हाल है, इसको आज 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसमें शहीद हो चुके हैं, जिसमें 60 से ज़ायद बच्चे और इसके अलावा औरतें हैं। हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। इसराइल ने अब तक जो रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक 10 से ज़ायद इसराइली इस जंग में जा बहक हुए हैं और इसके अलावा बीसियों ज़ख्मी हैं। ये पहली मरतबा है जब हमने ये देखा है कि हमास ने प्रॉपर तरीके से रिटेलिएट किया है। यानी रिटेलिएशन तो वैसे भी होती है, पहले जितने भी वाक़यात हुए उनमें भी हुई है, लेकिन इस पैमाने पर इसराइल को नुकसान नहीं हो सका जो इस दफ़ा हुआ है। लेकिन इस जारहियत की कीमत, इसराइल की इस जारहियत की कीमत हमेशा की तरह फ़लस्तीन ने और ख़ास तौर पर गज़ा ने अदा की है, जिसमें अक्वामे मुत्तहिदा के अदादो शुमार के मुताबिक अब तक 60,000 के करीब लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, हिजरत कर चुके हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट बुनियादी तौर पे क्या है, इसराइल और फ़लस्तीन का मसला कहाँ से शुरू हुआ, इसको तारीख़ी पस मंज़र में देखने की कोशिश करेंगे और मैं ब्रीफली चंद चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और फिर हम हिस्ट्री में किस किस स्टेज से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं और अब मेरी नज़र में या मेरे ओपिनियन के मुताबिक इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर हम रेगुलर जो अपडेट्स आती हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उनके साथ साथ वो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं उनको खसूसी तौर पर डिस्कस करते हैं। पैलेस्टाइन इशू आपके करंट अफेयर्स में भी है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी है और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की जो ओवरऑल टेंशंस हैं उनसे इस मामले का बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। तो तवज्जो से सुनिएगा, साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा और फिर जहां भी आपके जहन में कोई सवाल आता है आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और ये जो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स प्रोवाइडेड हैं इनमें भी पूछ सकते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के मसले से रिलेटेड जब भी आपने कहीं पे भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए या नोट्स बनाने के लिए चीज़ों को सर्च किया होगा तो आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आई होंगी, जैसे ज़ायनिज़्म है या सेमाइटिज़्म है या एंटी ज़ायनिज़्म और एंटी सेमाइटिज़्म है या ज्यूदिज़्म है। पहले मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करता चलूँ कि ज़ायनिज़्म बुनियादी तौर पर क्या है। देखिए, ज्यूदिज़्म जो है ये आप जानते हैं कि ये तो यहूदियत है, यानी मज़हबी एतबार से जो भी शख्स यहूदी है वो ज्यूदिज़्म यानी उसको ज्यू कहा जाता है। ज़ायनिज़्म जो है ये एक मूवमेंट है जो 1896 में स्टार्ट हुई थी। खैर, मूवमेंट तो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी लेकिन 1896 में पहली मर्तबा एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें ये बात कही गई थी कि ये जो ज्यूज़ हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, इनकी अपनी एक होम लैंड होनी चाहिए और वो जो होम लैंड है वो पैलेस्टाइन की सरज़मीन, जिसे मुकद्दस सरज़मीन कहा जाता था, वहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि इनके पास जो नुस्खे मौजूद हैं उनके मुताबिक प्रॉमिस्ड लैंड जिसे कहा जाता है, यानी वो ज़मीन जिसका वादा किया गया था, वो यही है जो बैतुल मुकद्दस के आसपास है। लिहाजा एक मूवमेंट का आगाज़ हुआ, हम ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी के आगाज़ से ही उसका आगाज़ हो गया, और वो ये था कि ये जो फ़लस्तीन की सरज़मीन है यहाँ पर यहूदियों को लाकर आबाद किया जाए और यहाँ पे उनकी अपनी जो है वो एक रिहाइश होनी चाहिए। यानी स्टेट का कंसेप्ट उस वक्त तक नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि हालात बतदरीज बढ़ते चले गए और हम जंग अज़ीम अव्वल तक पहुँचे, वर्ल्ड वॉर वन जिसको कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर वन का आगाज़ 1914 में हुआ और इसका इख्तिताम 1918 में हुआ। अब 1914 में ये जो जंग शुरू हुई थी इसमें बुनियादी तौर पर जो दो फोर्सेस आमने सामने थी उनमें से एक तरफ जो फोर्सेस थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। अब ये जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है ये सारी की सारी सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप पे मुश्तमिल एक एम्पायर थी। इसी तरीके से मिडल ईस्ट पूरे का पूरा ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, तुर्की जो है वो उसका कैपिटल था, वहाँ से उसको रेगुलेट किया जाता था। जिस वक्त इस जंग, ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची, यानी बरतानिया, फ्रांस और सोवियत यूनियन, इन तीनों ने मिलकर इन बाकी तीन पावर्स के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी, और जब ये अपने इख्तिताम पर पहुंची और जर्मनी ने घुटने टेक दिए, उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली, उसके साथ ही जाहिर है कि उसके जो एलाइज थे वो भी हार गए, तो ये फ़ैसला किया गया कि इन एम्पायर्स को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। यानी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को डिज़ोल्व करके ईस्टर्न यूरोप के और सदरन यूरोप के बहुत से मुल्क बना दिए गए, ऑटोमन एम्पायर को डिसॉल्व करके 42 कंट्रीज़ बना दिए गए जो आज मिडल ईस्ट कहलाता है।
अच्छा, इसके साथ ही ये हुआ कि ये जो ज़ायनिस्ट हैं जो अपनी एक मूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे कि हमारी एक सेपरेट होमलैंड की कोशिश जो है वो जारी थी, इन्होंने बरतानिया से ये कहा कि आप इसमें हमारी मदद करें और आप हमें एक सेपरेट होमलैंड दिलवाने के लिए जो है वो कोशिश करें, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूव करवा दें। यही डॉक्यूमेंट जो 1917 में इशू किया गया, इसको हम बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। बेलफोर डिक्लेरेशन बुनियादी तौर पे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन जो है उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया था रॉथचाइल्ड के नाम, और उसमें उन्होंने ये कहा था जो यहूदी हैं जो सेपरेटली मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं, हम इनके इस हक़ को तस्लीम करते हैं कि इनके लिए कोई होमलैंड होनी चाहिए या कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर ये अमन अमान के साथ रह सकें। लेकिन जो इसमें अहम बात है वो ये है कि ऑलरेडी जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनके जो राइट्स हैं उनको किसी सूरत में कोई आँच नहीं आनी चाहिए। बेलफोर डिक्लेरेशन पास हो गया, इस पे बड़ी उन्होंने खुशी मनाई और उसके बाद बड़ी तेज़ी से ज्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर आकर आबाद होना शुरू हो गए। ये सिलसिला 1917 से ही शुरू हो चुका था। अच्छा, ये जो ज्यूइश ज़ायनिज़्म है इसके साथ एक हम कंसेप्ट पढ़ते हैं क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म का, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो इस तरह से, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म क्या है, क्रिश्चियंस का बिलीव ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आना है, जिस तरह हम मुसलमान ये कहते हैं कि इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम ने आना है, इसी तरीके से ईसाइयों का ये नज़रिया है कि इमाम मेहदी ने आना हज़रत ईसा ने आना है। तो हज़रत ईसा इसी ज़मीन में क़याम करेंगे, इसी ज़मीन से अपनी जो मूवमेंट है उसका आगाज़ करेंगे, और ये उस वक्त ईसाइयों की फेवर में है जब ये ज़मीन यहूदियों के पास हो, मुसलमानों के पास ना हो। आप ये जानते हैं कि ये जो यरूशलम का शहर है, ये तीनों जो इस्लामिक तीनों आप कह सकते हैं कि डिवाइन रिलीजन्स हैं उनके लिए ये बड़ा मुकद्दस शहर है, यानी बैतुल मुकद्दस के अतबार से भी, यहूदियों के लिए भी हज़रत सलमान की नस्बत से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और ईसाइयों के लिए हज़रत ईसा की नस्बत से इम्पॉर्टेंस है। अच्छा, अब जनाब ज़ायनिज़्म की तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई, अब हम हालात ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज किस तरह के बढ़े। 1920s में और 1930s में आपने ये देखा होगा कि हर तरफ जो है वो नेशनलिज्म की मूवमेंट्स चलना शुरू हो गई थी। इवन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आप देखें तो 1916 में जो हमारा लखनऊ पैक्ट साइन हो गया था, उसके बाद से दोनों ने, मुसलमानों ने भी और हिंदुओं ने भी, या आप यूँ कहें कि कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, मिलकर इंडियन नेशनलिज्म के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। इसी तरीके से 1917 आपको याद होगा बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई थी रशिया में, उन्होंने भी रशियन या सोवियत नेशनलिज्म की बात कर दी थी, जिसमें फिर सोवियत यूनियन की बुनियाद रखी गई थी। अच्छा, इसी तरीके से यूरोप में आपने देखा कि मूवमेंट्स जो है वो चलना शुरू हो गई थी, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट फैशिज़्म की मूवमेंट है, इटालियन फैशिज़्म हो मिसोलिनी का, या फिर जर्मनी का जो है वो हिटलर की ज़र निगरानी जर्मन फैशिज़्म हो। अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो हैं इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यही फिनोमेना मिडल ईस्ट में भी हो रहा था। ये जो ज्यूइश नेशनलिस्ट पार्टी है जिसको ज़ायनिज़्म कहा जाता है, इसने यूरोप में जड़ें पकड़नी शुरू कर दी। इन्होंने अपनी सेपरेट होमलैंड के लिए कोशिश शुरू कर दी और फ़लस्तीन में आकर ये आबाद होना शुरू हो गए। इसके बाद जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई 1939 में, अब 1939 से लेके 45 तक जो जंग थी उसमें ख़ासूसी तौर पे यहूदियों को निशाना बनाया गया यूरोप में, और जब इन्हें निशाना बनाया गया तो इनको एक और जो है वो आप यूँ समझ लें कि एक रीज़न मिल गया सिंपथी और इंटरनेशनल सिंपथी गेन करने का, और फिर वो मज़ीद जो यहूदी वहाँ रह गए थे वो भी फ़लस्तीन में आ गए। ये याद रखिएगा कि ये होलोकॉस्ट जो कहा जाता है और जिसकी वजह से फैशिज़्म को बहुत बुरा भला कहा जाता है, मैं इंशाल्लाह फैशिज़्म पे अलग लेक्चर आएगा, दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन इस होलोकॉस्ट से पहले भी जो यहूदी हैं वो यहीं पे आके आबाद हो रहे थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से अचानक इन्होंने जो है वो हिजरत करना शुरू कर दी थी, उससे पहले भी वो वहीं आ रहे थे। और 1917 का जैसे मैंने आपको बताया बेलफोर डिक्लेरेशन पास हो चुका था, यानी कोशिशें उससे कहीं पहले से हो रही थी। अच्छा जी, अब ये हुआ कि 1945 के बाद जब जंग अज़ीम दोयम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़ात्मा हो गया, तो फिर ये किया कि बरतानिया ने, फ़्रांस ने, क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये तमाम के तमाम अफ्रीकन कंट्रीज़ पे, मिडल ईस्ट पे, साउथ एशिया पे, इन सब पे काबिज़ थे। ये जो सारा इलाका है ये इनकी कॉलोनीज़ थी, लेकिन जंग में अच्छे खासा जो है वो इनको लॉस हो चुका था, और अब इन कॉलोनीज़ को इस तरह से चलाना नामुमकिन हो गया था, जिसकी वजह से हमने 1945 से लेके ऑनवर्ड्स डीकोलोनाइजेशन देखी, यानी तेज़ी से कंट्रीज़ जो है वो डीकोलोनाइज होना शुरू हो गए थे। अच्छा, अब
ये जो 1945 के बाद ब्रिटिश एम्पायर का कोलैप्स है उसके नतीजे में डीकोलोनाइजेशन हुई। लिहाजा ये जो इलाका था मिडल ईस्ट का इलाका फ़लस्तीन ख़ास तौर पे जिसे ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता था, ब्रिटिश ने ये अनाउंस कर दिया कि हम 1947 में इस इलाके से निकलने वाले हैं। लिहाजा फ़लस्तीन को वो जो मसला था फ़लस्तीन का या इसराइल का उसको अक़वामे मुत्तहिदा के हवाले कर दिया गया। पहले जो है वो ये मसला लीग ऑफ नेशंस के हवाले किया गया था 1919 में, बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद से 1919 में आपको मालूम है लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद रखी गई जो प्रीडेसेसर है यूनाइटेड नेशंस का। लीग ऑफ नेशन में ये रखा गया था कि इसराइल के लिए एक जगह जो है वो मुख्तस की जाए फ़लस्तीनी ज़मीन पे। अब वही चीज़ अक्वामे मुत्तहिदा के सामने आ गई और 1947 में अक्वामे मुत्तहिदा ने ये अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर ये जो फ़लस्तीन की सरज़मीन है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। जहाँ पे ज्यूज़ आज आबाद हैं 1947 में, वहाँ पर इसराइल को कायम किया जाएगा, और जहाँ पे फ़लस्तीनी या अरब कहा जाता था उनको, अरब रहते हैं, वो सारे का सारा इलाका फ़लस्तीन कहलाएगा। और यरूशलम जो सबके लिए मुकद्दस है इसको इंटरनेशनल टेरिटरी करार दिया जाएगा। ये किसी मुल्क की मिल्कियत नहीं होगी, ये सब के लिए एक ही जैसी होगी और इंटरनेशनल टेरिटरी कहलाएगी। इसराइल ने इसको तस्लीम कर लिया, अरब जो थे उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह ये है कि इसराइल के लिए तो ये ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी बात थी कि अक्वामे मुत्तहिदा जो है वो इस चीज़ को तस्लीम कर ले। ऑल दो बाद में अक्वामे मुत्तहिदा की कोई बात इसराइल ने नहीं मानी, लेकिन ये क्योंकि उनकी फेवर में थी तो उन्हें बड़ी पसंद आई। अरब ने जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इन यहूदियों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे लेकिन यहाँ पर हम इनको आबाद नहीं होने देंगे। अच्छा, अब अरब कंट्रीज़ जो इसकी मुखालफत कर रहे थे उसमें सारे के सारे जो हैं वो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं फ़लस्तीन के, यानी इजिप्ट है, सीरिया है, जॉर्डन है, ख़ास तौर पर ये कंट्रीज़ हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे थे। सऊदी अरेबिया ने उस वक्त भी मुखालफत नहीं की है और बाद में भी आज तक उसने कोई मुखालफत नहीं की। और उसकी एक और वजह यह भी है कि अरब जो है वो सब ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। एक बात मैं अरब के मुतल्लिक आपको बता दूं, उस दौर के अरब के मुतल्लिक, अरबों में जो है ना बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारे डिफरेंसेस, यूँ समझे कि वो हर ही चीज़ पे एक दूसरे के मुखालिफ थे सिवाय एक चीज़ के, और वो था अरब नेशनलिज़म। अरबों में अगर कोई चीज़ कॉमन थी तो वो अरब नेशनलिज़म था, और उस वक्त जो अरब नेशनलिज़म के लीडर के तौर पर सामने आया वो जमाल अब्दुल नासिर था इजिप्ट का। उस पे लोग ट्रस्ट करते थे और लोग ये कहते थे कि ये अरब, ये इस काबिल है कि अरब की जो लीडरशिप है वो इसके पास हो सके। 1948 की जंग आ गई, जंग इसी वजह से हुई जैसे मैंने आपको बताया कि अरब ने उनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया, यहूदियों ने जो है वो उस अपने राइट के लिए फ़ाइट किया और अल्टीमेटली वहाँ पर अपने आप को बराजमान करने में, या यूँ समझें कि अपनी एक स्टेट को मनवाने में वो कामयाब हो गए। अच्छा, अब इसके बाद ये हुआ कि उनकी आबादी के बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अरब तो इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि जनाब ये जो है इनको यहाँ पे रखा जाए, लिहाजा उन्होंने अपनी प्लानिंग जारी रखी कि हम किस तरह से इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे और हम इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। अब ये हुआ कि इस चीज़ में, इस गठजोड़ में, अरब जो गठजोड़ है इसमें यही कंट्रीज़ जो है वो पेश थे, यानी सीरिया और इजिप्ट और जॉर्डन। इसके नतीजे में 1967 में एक इंसिडेंट हुआ जिसे सिक्स डेज़ वॉर कहा जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस जंग तक पहुंचने के जो मुख्तलिफ चीज़ें मुहरिकात हैं वो कैसे हुए। 1962 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसे यमन सिविल वॉर कहा जाता है। यमन में जो है, जो सऊदी अरेबिया के साउथ पे पाया जाता है आजकल, तो बल्कि आपने पढ़ा ही होगा न्यूज़ में, उस पे जो सऊदी अरेबिया की जारहियत है 2015 से जारी है, कत्लो गारत गरी जो वहाँ पे हो रही है उसकी वजह से वो न्यूज़ में रहता ही है। यमन में 1962 में एक सिविल वॉर हुई थी। अब उस सिविल वॉर में जो रॉयल फैमिली है यमन की, उसको सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन, फ्रांस, और इसी तरीके से जो सदरन साइड है उसको सोवियत यूनियन, इजिप्ट, सीरिया, ये कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे। अब इसराइल ने ये मौका गनीमत जाना और बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर उन्होंने ये किया कि उस रॉयल फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस जंग में इसराइल का मकसद क्या था, इसराइल के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इसमें शामिल हुए थे उनका मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो जो इजिप्ट की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में जान सकें। इजिप्ट क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा जो है रीजन में इसराइल के लिए अगर कोई था तो वो इजिप्ट था, लिहाजा इजिप्ट की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ से वाकिफ़ होने के लिए वो इसमें शामिल हो गए। उनको ये पता चल गया कि इजिप्ट की मोर देन 60,000 ट्रूप्स जो हैं वो इस वक्त यमन में ऑक्यूपाइड हैं।
इजिप्ट के पास तो है नहीं। इसके अलावा इस जंग में इजिप्ट का इतना ख़र्चा हो चुका है कि अगर इनको कोई सेटबैक मिलता है तो ज़ाहिर है कि वो उसको कवर करने के काबिल नहीं होंगे। सोवियत यूनियन ने एक रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट इजिप्ट के साथ शेयर की जमाल अब्दुल नासिर से, कि उनकी इतला के मुताबिक, सोवियत यूनियन की इतला के मुताबिक इसराइल अपने ट्रूप्स को इजिप्ट के बॉर्डर के पास अलाइन कर रहा है, जो ज़ाहिर है कि ये था कि ज़ाहिर है कि वो किसी भी टाइम आप पे हमला कर सकता है। जमाल अब्दुल नासिर ने यह किया कि उस पर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेने के बजाय जंग की तैयारी शुरू कर दी। जंग की तैयारी ऐसे शुरू की कि अपने ट्रूप्स को इसराइल के बॉर्डर के पास पहुंचाना शुरू कर दिया। यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग मिशन था इजिप्ट में, उसको वापस भिजवा दिया, जो वाज़े दलील थी इस बात की कि इजिप्ट किसी भी टाइम इसराइल पे अटैक कर सकता है। अब जमाल अब्दुल नासिर के जो मिलिट्री एडवाइज़र्स हैं उनका कहना यही था कि अगर आप इस जंग में फतह हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप इसराइल से पहले इसराइल पे अटैक कर दें। लेकिन उसने ये काम नहीं किया, और इसका नतीजा क्या निकला कि जब इसराइल को ये पता चला कि मिलिट्री बिल्डअप इस हद तक बढ़ चुका है, आधे से ज़्यादा फ़ौज इनकी यमन में इंगेज है और किसी भी टाइम इजिप्ट हम पे अटैक कर सकता है, तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च किया जून 1967 में और इसराइल की एयरफोर्स को नाकारा बना दिया। ये पहला इजिप्ट की एयरफोर्स को नाकारा बना दिया। ये पहला झटका था जो इजिप्ट को लगा। उसके बाद डीमोरलाइज होने की वजह से उनकी आर्मी भी आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकी। नतीजा ये निकला कि ये जो ऑफेंसिव था इसराइल का, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी की सूरत में सामने आया, और जो यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में बॉर्डर लाइंस लगाई थी उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन इसराइल के कब्ज़े में आ गई। इसी तरीके से सीरिया है, तो सीरिया में गोलान हाइट्स का इलाका जो है उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि वहाँ से सीरिया का ये ख्याल था कि सोवियत यूनियन जो है वो हमारी हेल्प को आएगा। सोवियत यूनियन ने कोई हेल्प उनकी नहीं की, ना ही इजिप्ट की, और उसका नतीजा ये निकला कि 6 डे वॉर्स के बाद ना सिर्फ वो सक्सेसफुल सामने आए बल्कि बहुत बड़ी टेरिटरी जो है वो उनके कंट्रोल में अब तक आ चुकी थी। गज़ा का जो इलाका है वो अभी इजिप्ट के कंट्रोल में ही था, वेस्ट बैंक का जो इलाका है वो जॉर्डन के कंट्रोल में था। 1967 से लेके ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये जितना अरसा है इसमें तकरीबन 700,000 पैलेस्टाइनियंस जो है उनको डिस्प्लेस किया गया, अपने इलाकों से निकाल दिया गया, तो ज़ाहिर है कि वो आसपास के अरब कंट्रीज़ में जाके रिफ्यूजी कैंप्स में आबाद हो गए। अच्छा, अब 1967 से लेके ऑनवर्ड्स 1973 तक, क्योंकि 67 जो है ये अरब के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी, इन्होंने ये इरादा किया कि अब हम वापस इसराइल पे ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। 1973 में फिर एक और अरब इसराइल वॉर होती है, उसमें ये हुआ कि इजिप्ट ने ये प्लान किया था कि हम जो है वो अपनी साइड से, यानी इसराइल की वेस्टर्न साइड बनती है, साउथ वेस्टर्न साइड बनती है, और गोलान हाइट्स यानी सीरिया जो है वो उसकी ईस्टर्न साइड बनती है, वहाँ से मिल के हम दोनों तरफ से एक और ऑफेंसिव करेंगे। ये जो दिन है ये बड़ी अहमियत का हामिल है 1973 में, यहूदियों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी रमज़ान का महीना था, इस नस्बत से इसकी इम्पोर्टेंस है। इसमें ये किया गया कि इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला जो है वो क्रॉस किया, और उसके बाद वो इसराइल के बॉर्डर्स तक पहुँचे और उन्होंने इसराइल पर अटैक किया। 3 दिन लगे इसराइल को इस सिचुएशन से निमटने के लिए, जिसके बाद उन्होंने प्रॉपर रिटेलिएट करना शुरू किया, और इतनी कामयाबी से रिटेलिएट किया कि करते करते वो सिनाई पेनिनसुला से इजिप्ट की फोर्सेस को उन्होंने बाहर निकाल दिया, यानी सिनाई जो है वो पूरे का पूरा इसराइल के कंट्रोल में आ गया। इसी तरीके से उन्होंने ईस्टर्न साइड पे सीरिया के ख़िलाफ़ ऑफेंसिव लॉन्च किया, और गोलान हाइट्स का पूरा इलाका जो है वो अब इसराइल के कंट्रोल में आ गया, जो अब तक उनके कंट्रोल में है। अब यहाँ से जो है ये बात यूँ समझें कि बावर हो गई मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को, ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ को, कि इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ जो है ये करके इसराइल से ये इलाके वापस नहीं लिए जा सकते। बल्कि अब ये था कि इसराइल के कंट्रोल में उनके इलाके आ गए थे, लिहाजा अब ये देखना था कि इनके साथ क्या मामला किया जाए, वो इलाके कैसे वापस लिए जाए। और फिर हम ये देखते हैं कि 1978 आता है, जिसमें डेविड कैंप एकॉर्ड के नाम से एकॉर्ड साइन किया जाता है, और उसके पहला कंट्री इजिप्ट वो पहला अरब कंट्री है जो इसराइल को तस्लीम करता है और उसके साथ अपनी टाइज़ को नॉर्मल करता है, और उसके नतीजे में सिनाई पेनिनसुला उनको वापस मिलता है।
अब इस पे एक और यहाँ पे बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊँ कि सिक्स डे वॉर जो हुई थी 1967 की, उसके बाद एक खरतोम एकॉर्ड जो है वो साइन किया गया था सूडान में। खरतोम जो है वो सूडान का कैपिटल है, और उसमें अरब कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया था कि ना तो हम इसराइल को कभी तस्लीम करेंगे, ना तो हम इसराइल के साथ कभी पीस की बात करेंगे, और ना ही हम ये करेंगे कि इसराइल के साथ किसी भी किस्म के एग्रीमेंट्स में शामिल होंगे। थ्री नोज़ इनको कहा जाता है। इजिप्ट ने भी साइन किया था, जॉर्डन ने भी साइन किया था, फिर इजिप्ट ही वो पहला कंट्री है जो उससे निकल गया। उसके बाद 80s का ज़माना आ गया। अब ये था कि फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए जो है वो दूसरे रिफ्यूजी कैंप्स या उन कंट्रीज़ में रहना भी इतना आसान नहीं था, तो ओवरऑल फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग होती जा रही थी हर तरफ से। अब जनाब 80s आ गया। 80s के बाद हम ये देखते हैं कि 1987 में तो फ़र्स्ट इंटिफादा इसको कहा जाता है, यानी पहली अपराइजिंग हुई अरब की तरफ से इसराइल के अगेंस्ट। उसमें दोबारा ज़ाहिर वायलेंस का इस्तेमाल किया गया, इसराइली ट्रूप्स जो हैं उन्होंने इसी तरह से शेलिंग की, निहत्ते लोगों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई, कितने ही फ़लस्तीनी हैं जो शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, बाकियों को अरेस्ट कर लिया गया। यही जुल्म और बर्बरियत जो आज हम देखते हैं, ये उस वक्त से और उससे कबल भी यही चलती आ रही है। तो उसका नतीजा ये निकला कि हालात फिर बड़ी तेज़ी से ख़राब हो गए, और फिर इन हालात को सुलझाने के लिए बात ओस्लो एकॉर्ड तक पहुंची। ओस्लो एकॉर्ड नॉर्वे में जो है वो साइन किए गए, जिसमें ये था कि हम पीस की तरफ बढ़ेंगे और टू स्टेट सोल्यूशन जो है उसकी बात की जाएगी। ये पहली बार है जब यासिर अराफात ने ये तस्लीम कर लिया था कि इसराइल को भी यहाँ पे रहने का हक है, ठीक है हम इसको तस्लीम करते हैं, अब जो टू स्टेट्स हैं उसकी तरफ आए, यानी फ़लस्तीन को उनकी ज़मीन और इसराइल को उनकी ज़मीन दी जाए, जैसे अक़वामे मुत्तहिदा ने प्री 1967 बॉर्डर्स के बारे में अनाउंस किया था। ओस्लो अकॉर्ड साइन हो गए, हालात बेहतर होना शुरू हो गए। 1992 में साइन हुए थे, और उसके बाद ऑनवर्ड सिचुएशन बहुत बेहतर रही। लेकिन हमने ये देखा कि 1995 में जो ज्यूइश एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया जाता है, इस वजह से कि वो फ़लस्तीन के साथ इत्तेहाद की बात क्यों कर रहे हैं। ये असैसिनेशन थी जिसने हालात फिर बड़ी तेज़ी से ख़राब करना शुरू कर दिए, और 95 से ऑनवर्ड्स हमने ये देखा कि वो जो ओस्लो अकॉर्ड्स में कह दिया गया था कि फ़लस्तीन की एक अलग स्टेट जो है वो बनाई जाएगी, इसराइल उसमें उनकी हेल्प करेगा, और इसी तरीके से जो इसराइली फोर्सेस हैं गज़ा में या वेस्ट बैंक में उनको निकाल लिया जाएगा पूरी तरह से, वो काम अपनी जगह पे रुक गया। उसके बाद जो एरियल शेरोन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बने, तो 2000 में हमने सेकंड इंटिफादा देखा कि दोबारा, यानी एरियल शेरोन ने क्या किया कि मस्जिद अक्सा में वो पहुँच गए। अब जाहिर है कि कोई भी मुकद्दस जगह, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे खाना काबा में कोई नॉन मुस्लिम जो है वो आ जाए, मुसलमानों के लिए आउटरेजियस होगा ज़ाहिर है। फ़लस्तीनियों ने उसके ख़िलाफ़ फिर आवाज़ उठाई, वो फिर सड़कों पे निकल आए, सेकंड इंटिफादा जिसको कहा जाता है, और फिर उनके साथ वही सब कुछ किया गया जो पहले हो चुका था, फिर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, फिर उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। अल्टीमेटली 2005 में ये हुआ कि गज़ा से इसराइली फोर्सेस जो है वो निकल गए। अच्छा, अब गज़ा में उनके जाने के बाद जो फैक्शंस दो रह गई थी, वो एक फतह है और एक हमास है। फतह जो है ये वो मूवमेंट है जो 1947 से चलनी शुरू हुई थी, उस वक्त इनको फिदाइन कहा जाता था, यानी फिदा होने वाले फिदाइन, और फिर इनका नाम चेंज करके फतह रख दिया गया। ये एक रेजिस्टेंस थी शुरू से इसराइल के ख़िलाफ़, और अब जो है वो हमास ने जड़ें पकड़ना शुरू कर दी थी, जो बुनियादी तौर पर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी पॉलिटिकली फतह भी मिलिट्री ही थी, लेकिन इन्होंने पॉलिटिकली भी बहुत काम किया था पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, PLO जिसे कहा जाता है। और हमास जो है उसकी पॉपुलैरिटी लोगों में बहुत ज़्यादा थी। 2005 में इलेक्शंस करवाए गए, जिन इलेक्शंस के नतीजे में हमास जो है वो विक्टोरियस हो गए। अब जब वो जंग जीत गए तो इन दोनों के दरमियान आपस में क्लैश शुरू हो गया, हमास और फतह के दरमियान, कि गज़ा को कौन कंट्रोल करेगा। ये चीज़ जारी रही 2006 में, फिर 2007 में। हमास जाहिर है कि इनके फ़ायदे में भी नहीं था, ज्यूज़ के फ़ायदे में भी नहीं था, ना इसराइल के फ़ायदे में था, ना ही अमेरिका के फ़ायदे में था, लिहाजा इन्होंने भी ये कोशिश की कि दोबारा से इलेक्शन करवा दिए जाए। ये जो शोर वोगा है इसका नतीजा ये निकले कि इलेक्शन दोबारा हो जाए, लेकिन उसमें उस जंग में भी, यानी फतह और हमास के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसमें भी हमास की फतह हो गई। अब 2007 में जब ये तस्लीम कर लिया गया कि हमास जो है वही फ़लस्तीन की आवाज़ है, वही फ़लस्तीन की गवर्नमेंट है, और लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, अब ये उन्होंने क्या किया कि 2007 में इसराइल ने गज़ा का ब्लॉकेट कर दिया।
यानी उसके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया गया, किसी तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। अब गज़ा जो है वो एक स्ट्रिप है बुनियादी तौर पे। आपने देखा होगा न्यूज़ में हर जगह गज़ा स्ट्रिप कहा जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रिप है। इस तरफ उसके मेडिटेरेनियन सी है और इस साइड पर जो है वो इज़राइल है और नीचे जो है वो सदरन साइड पर इजिप्ट है। तो वो पट्टी सारी की सारी चारों तरफ से यूँ समझें कि इज़राइल के साथ है, एक बॉर्डर लगता है उसका इजिप्ट के साथ। इसके बाद हमने देखा कि 2008 में इज़राइल की और हमास की जंग होती है, फिर हमने देखा कि 2012 में होती है, फिर 2014 में हुई थी और अब फिर 2021 में हो रही है। जंग तो आप इसको इसलिए नहीं कह सकते कि हमास बेचारों के पास असला कोई नहीं है। जंग उस वक्त होती है जब दो कंट्रीज़ आपस में जंग लड़ते हैं। एक कंट्री के पास आर्मी है तो दूसरे के पास भी आर्मी है, एयरफोर्स के मुकाबले में एयरफोर्स है, नेवी के मुकाबले में नेवी है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इनके पास है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी वैसी ना सही लेकिन उससे कोई मिलती जुलती टेक्नोलॉजी उनके पास भी है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि ये दो कंट्रीज़ हैं जो जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पे जंग नहीं है, यहाँ पे एक तरफ एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जो रिटेलिएट करता है और अपने बचे कुचे लोगों की हिफाजत करने की कोशिश करता है। दूसरी साइड पर वो स्टेट है जिसको दुनिया की सबसे ज़्यादा एड, मिलिट्री एड ख़ास तौर पे, बाकी एड उसके अलावा है, मिलिट्री एड उनको $4 बिलियन की सालाना यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा उनको फ्रांस, बरतानिया और यूएस की तरफ से असला प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरीके से उनका ये आयरन डोम सिस्टम या जिस तरह से उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है, ये उनकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट असलहा जो है वो उनके हवाले किया जा रहा है। और इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया की सपोर्ट और इसके अलावा ये जो बिग पावर्स हैं इनकी सपोर्ट, ये सब कुछ उसके साथ है। दूसरी साइड पर कौन है? दूसरी साइड पर वो लोग हैं जिनको अरब जो उनके नेबर्स हैं उन्होंने भी छोड़ दिया, अबंडन कर दिया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके साथ खड़े होने वाले अरब, यानी वो अरब जिनकी वाकई इसराइल के साथ जंग थी असल में, वो अब इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। और फ़लस्तीनी बेचारे जो हैं, जो कि वहाँ उस मुकद्दस सरजमीन में पैदा हो गए, वो 70 साल से वहाँ पर इसराइली बर्बरियत का निशाना बने हुए हैं। ना तो उनके पास एयरफोर्स है, ना ही रिसोर्सेज हैं कि वो बना सकें, ना उनके पास नेवी है, ना ही रिसोर्सेज हैं। उनके पास है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट्स हैं वो हैं, और कुछ प्रॉक्सीज इस तरह हैं जिसके थ्रू उनकी हेल्प की जा रही है। वो किस वक्त फायर करते हैं? वो हमेशा रिटेलिएशन में फायर करते हैं। आप जब भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री देखेंगे, 2008 की देखें, 12 की देखें, 14 की देखें या 2021 की देखें, दिस इज़ रिटेलिएशन। अभी इस दफ़ा भी यही हुआ है कि मस्जिद अक्सा पे इसराइल ने अटैक किया 27 रमज़ान की रात को, जो लैलतुल कद्र की इबादत की रात होती है उस दिन। फिर उसकी रिटेलिएशन में हमास ने जो है वो रॉकेट्स फायर किए। अभी तक तो उन्होंने 3000 के करीब रॉकेट्स जो है वो फायर किए हैं, जिसमें से 400 इसराइल में गिरे हैं, बाकी सब के सब रोक लिए गए हैं। उसके जवाब में इसराइल ने जो अटैक किए हैं, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। गज़ा की तरफ जो चीज़ भी फायर की जाएगी वो बेचारे निहत्ते लोगों पे आके गिरेगी। और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से डिसप्रोपोर्शनेट अटैक किए जा रहे हैं, किस तरीके से कोलेट्रल पनिशमेंट, कलेक्टिव पनिशमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, औरतों और बच्चों को दानिस्ता अटैक्स का निशाना बनाया जा रहा है और मीडिया को अटैक किया जा रहा है। यानी ये जो वार क्राइम्स इस दफ़ा हम देख रहे हैं, ये भी हमने पहले नहीं देखे। बड़े बड़े वार क्राइम्स देखे इसराइल की तरफ से, लेकिन ये नहीं देखे कि मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है, आउटलेट्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो ये खबरें भी ना चला सकें कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है या इसराइल के साथ क्या हो रहा है। और इसके अलावा आपने ये देखा है कि इसराइल को 100% सपोर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की हासिल है। यानी बाकी ममालिक ऐसे हैं कि वो कोई ना कोई क्राइम ऐसा ज़रूर होता है जिस पर वो आवाज़ उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। आपने बरतानिया की तरफ से भी देखा होगा, जर्मनी में भी लोग बोल रहे हैं, इसी तरह फ्रांस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, उनके पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रही हैं। अगर कोई कंट्री सपोर्ट कर रहा है इसराइल को 100% तो वो यूनाइटेड स्टेट्स है। अभी भी जो 3 इमरजेंसी मीटिंग्स हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल की, वो बुलाई जा चुकी हैं और उनमें अभी पहले तो इनकार किया गया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, मीटिंग ही नहीं होने दी गई, और जब हुई है तो उसमें उन्होंने वीटो कर दिया हमेशा की तरह कि इसराइल के ऊपर ये जो जारहीत इसराइल ने जारी रखी है इसके बारे में बात की जाए, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब दूसरा जो कंट्री इस चीज़ को सपोर्ट करता आपको नज़र आएगा सबसे ज़्यादा, वो इंडिया है। यानी जाहिर है कि एक जो ऑप्रेसर है, एक ज़ालिम है, उसको दूसरा ज़ालिम ही सपोर्ट करेगा। एक कंट्री है जो निहत्ते लोगों के ऊपर जुल्म करता है, अपनी आर्मीज़ को वहाँ पर भेज के कत्लो गारत गरी करता है, उसको वही कंट्री सपोर्ट करेगा जो कश्मीर में यही सब कुछ कर रहा हो और पिछले 70 साल से ही कर रहा हो।
अलबत्ता अमेरिका की तरफ से जो लीडर ऑफ द वर्ल्ड होने का दावा करता है, यकीनन ये बहुत हैरत की बात है और ये अमेरिकन्स के लिए सेटबैक है। इस चीज़ ने जितना अमेरिकन्स की रेपुटेशन को नुकसान दिया है या जो लीडर ऑफ़ द वर्ल्ड का कंसेप्ट है उसको हिट किया है, वो किसी और चीज़ ने नहीं किया। और अब मैं आपके सामने यूनाइटेड नेशंस की जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन है इज़राइल के ख़िलाफ़, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने है। ये 2016 में पास की गई है। इस रेजोल्यूशन को इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है और इसके अंदर जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कि सारी की सारी रेजोल्यूशन जो इस लेवल की आई हैं वो पहले से उनका रेफरेंस भी मौजूद है, उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है वो मुसलमान ममालिक है। मुसलमान ममालिक की तरफ से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान, तुर्की और ईरान तीन कंट्रीज़ आपको ऐसे मिलेंगे जो इसको एटलीस्ट कंडेम कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। ईरान आपको वाहिद ऐसा मुल्क मिलेगा जो हर तरीके से फ़लस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से एड उनको पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाएंगे, अगर उनकी मॉरल सपोर्ट की जाती है तो वो करेंगे, अगर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उनको सपोर्ट किया जा सकता है तो वो भी करेंगे। ईरान के अलावा आपको अनफॉर्चुनेटली कोई मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं नज़र आएगा जो प्रैक्टिकली फ़लस्तीन की मदद कर रहा हो या एटलीस्ट इसराइल को नुकसान देने की कोशिश कर रहा हो, इवन इकनॉमिकली। यानी आप ये देखें कि बड़े बड़े ममालिक की फहरिस्त में इवन तुर्की को आप देख लें तो तुर्की और इसराइल की जो पार्टनरशिप है, इकनॉमिक पार्टनरशिप है, वो तुर्की उनका फोर्थ पार्टनर है। यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही को बंद कर दे तो इसराइल के लिए वो अच्छा खासा खसारा है, लेकिन वो नहीं करेगा। अरब कंट्रीज़ की सूरत हाल तो आपके सामने है, वो तो उल्टा हमास को ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से रॉकेट्स फायर होने बंद होने चाहिए, ये अमन के लिए ख़तरा है, आप जो कुछ कर रहे हैं ये दहशतगर्दी है। तो इससे ज़्यादा डिवीजंस मेरा नहीं ख्याल मुस्लिम ममालिक में पहले थी और इससे ज़्यादा नुकसान भी मुस्लिम ममालिक को इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा जो अब होने जा रहा है। अगर आप बैतुल मुकद्दस पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते जो आपका क़िबला अव्वल है तो आई डोंट नो कि कभी आप खाना काबा या मस्जिद नबी पर भी इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल दुआ है कि मुस्लिम ममालिक जो है दुआ ही कर सकते हैं, हमारे लीडर्स भी दुआ ही कर रहे हैं, हम भी दुआ करें, और दुआ ही है कि मुस्लिम ममालिक जो है वो एक पेज पर आकर इस कम अज़ कम ये कर सके कि चले आप ये कह दें कि फ़लस्तीन और इसराइल का मामला दो स्टेट्स का मामला है, वो आपस में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन होली साइट्स का जो मामला है वो तमाम मुस्लिम उम्मा का मामला है। बैतुल मुकद्दस जो है, मस्जिद अक्सा जो है, उसकी सेफ गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फ़लस्तीनियों के ऊपर नहीं है, वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो 1.2 बिलियन मुस्लिम पापुलेशन है इस दुनिया में, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि कम से कम आप ये कर लें कि जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन है उनकी इस तरह से धज्जियां ना उड़ाई जाए जिस तरह से इसराइल उड़ाता है, इस तरह से जो वार क्राइम्स इसराइल परफॉर्म कर रहा है उससे उसको रोका जाए। ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट का कंसेप्ट है, ये जो डिसप्रोपोर्शनेट अटैक्स का कंसेप्ट है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को तमाम करते हैं, टाइम काफ़ी ले लिया आपका। आई थिंक कि इसराइल और फ़लस्तीन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके हवाले से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं बयान कर चुका हूँ। बाकी जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में कहा कि आपका किसी भी वक्त कोई भी सवाल हो तो आप सोशल मीडिया लिंक्स पे हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे रابطہ कर सकते हैं जिसके तहत आपको अपने ग्रुप्स में हम शामिल कर लेंगे, जिनमें रेगुलर करंट अफेयर्स पे और दीगर जो मौजूआत हैं उन पर डिस्कशन चलती रहती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।